क्या कोयराला इन दिनों सीरीज हीरा मंडी की वजह से सुर्खियों में है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है, जिसमें मनीषा अहम किरदार में नजर आएंगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में मनीषा ने अपने करियर के बारे में बात की, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किस फिल्म को रिजेक्ट करने का पछतावा है। मनीषा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने फिल्म दिल तो पागल है का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। इस फिल्म में यश चोपड़ा उन्हें और माधुरी दीक्षित को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मनीषा ने ऑफर ठुकरा दिया था। मनीषा ने कहा, मुझे अपने करियर में सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि मैंने यश चोपड़ा जी के साथ कोई फिल्म नहीं की। दिल तो पागल है मैं मुझे माधुरी के साथ कास्ट किया गया था, मैं डर गई थी इसलिए फिल्म से पीछे हट गई। मनीषा के इनकार के बाद निशा का किरदार फिल्म में करिश्मा कपूर ने निभाया था, जिससे उनका करियर चमक गया था। उन्हें इस रोल में काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म में उनका और माधुरी का डांस फैंस ऑफ वाला सीन काफ़ी फेमस हुआ था। दिल तो पागल है ठुकराने के कुछ साल बाद मनीषा ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था। मनीषा कोराला ने इंटरव्यू में कहा, माधुरी जी बेहतरीन इंसान और एक्ट्रेस हैं, उनसे इनसिक्योर होने की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि जब आपके साथ कोई अच्छा एक्टर कास्ट होता है तो आप भी अच्छा ही परफॉर्म करते हो, वो भी आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात एज और एक्सपीरियंस के साथ समझ आती है। मुझे लज्जा में माधुरी और रेखा जी दोनों के साथ काम करके खूब मजा आया था। इसी के साथ बने रहे ऐश्वर्या के साथ।